channel Edu Entertainment. And here we are with our first episode of Edu Entertainment Extras. And our first topic is, what is pi? No pi, not that pi. Mathematical form of pi. Which is also known as Archimedes constant. So guys, आज आपको पाई के बारे में बहुत सारी नई और अनोखी बातें जानने को मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। सो गेट रेडी एंड जोश के साथ शुरुआत करते हैं। गाइस, हम जनरल पॉइंट्स ऑफ पाई से शुरू करते हैं, जो बातें आपको अक्सर सब यूट्यूबर बताते हैं। So, हमारा पहला पॉइंट है, सो गाइस हमारे पहले पॉइंट पे आते हुए है ओरिजिन ऑफ पाई। पाई जो है ग्रीक लेटर है, तो ये जो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेरीमेट्रोस, उसका मीनिंग होता है पेरीमीटर। तो ये जो पी है फर्स्ट लेटर इस पेरीमेट्रोस का, वो पाई है, इससे ये पाई वर्ड लिया गया है। सो गाइस अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सो गाइस अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वो है पाई इक्वल्स टू सी बाय डी। आपको सबको पता ही है पाई इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, मतलब पाई सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। सो अगर आप छोटा सर्कल ले, इतना बड़ा सर्कल ले, आपका डायमीटर और उसका सर्कमफेरेंस का रेशियो पाई ही आएगा, वो क्या है 3.14। तो आपका सवाल होगा कि उस टाइम पे ये सर्कमफेरेंस फाइंड कैसे की, क्योंकि हमको पाई की वैल्यू तो तब पता नहीं थी। तो आर्किमिडीज ने सिंपल बताया था उसके लिए तरीका, एक सिली थ्रेड लिया और उसको यहाँ पर रख के पूरा सर्कल को घुमाया और उससे उससे उसकी लेंथ सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर लियो, फिर वही थ्रेड से डायमीटर की लेंथ फाइंड कर ली। और उसका जब रेशियो लिया, छोटा सर्कल लिया, बड़ा सर्कल लिया, जब भी वो रेशियो लेता था तो वो पाई को ही डिफाइन करता था। सो गाइस ये हमारा सेकेंड पॉइंट डिफाइन करता है पाई इक्वल्स टू सी बाई डी। और एक बार मैं बताना चाहूँगा कि ये 22/7 कैसे आया, मतलब एक सर्कल लिया एग्जाम्पल में और 7 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर रखी, और जब इसका सर्कमफेरेंस मेजर किया इस थ्रेड के मेथड को इस्तेमाल करके, तो वो परफेक्ट 22 सेंटीमीटर पे आया। तो इससे पाई को अपनी वैल्यू मिली, वो क्या है पाई इक्वल्स टू 22/7। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब गाइस हम थर्ड पॉइंट, गाइस अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो क्या है पाई इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है। इसका क्या मीनिंग होता है कि 3.14 ये चलता ही रहेगा, नहीं ये रुकेगा भी नहीं और ये नंबर रिपीट भी नहीं होंगे, इसलिए पाई को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि इरेशनल नंबर को आप पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप ऐसे फैक्टर में नहीं दिखा सकते। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो पाई है was not equal to 22/7। तो गाइस हम पाई इक्वल टू 22/7 लिखना गलत होगा, ये 22/7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बताता है, आपको पाई की प्रॉपर वैल्यू नहीं दिखा सकता, इसलिए 22/7 लिखना, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है, पाई को 22/7 लिखना गलत। तो गाइस हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। तो गाइस हमारा फोर्थ पॉइंट है यूज ऑफ पाई इन पिरामिड ऑफ गीजा। तो समझने की कोशिश करते हैं, आप इमेज देखिए कि जो हमारे पिरामिड है, पिरामिड ऑफ गीजा, जब आप उसकी हाइट और उसका जो बेस का पेरीमीटर है, आप जब दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको रेशियो परफेक्ट पाई की वैल्यू मिलेगी, वो है 3.1459। तो आप सोच सकते हैं कि पिरामिड ऑफ गीजा 2580 बीसी में बना हुआ है, तो उस टाइम में कैसे पाई का यूज उन लोगों ने किया है। सो गाइज ये थे हमारे चार पॉइंट जनरल पॉइंट्स ऑफ पाई, जो आपको लगभग सब यूट्यूबर आपको बताते हैं। और अब मेरे भाई कंटिन्यू करेंगे, वो आपको यूनिक पॉइंट्स ऑफ पाई बताएंगे, जो आपको शायद ही किसी यूट्यूबर ने बताया होगा। तो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, पहले हम सब ने देखा जनरल पॉइंट्स ऑफ पाई, नाउ वी विल सी द यूनिक पॉइंट्स ऑफ पाई, जो शायद तक ही आपको किसी ने बताया होगा। सो जैसे हमने पहले देखा कि पाई इरेशनल नंबर है, तो वो इसको हम ऐसे 22/7 के कॉमन फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो उसको कैसे फॉर्म करेंगे हम। सो दिस इज द कंटिन्यू फ्रैक्शन विच इज नोन एज इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नेस्टेड फ्रैक्शन, एंड कॉमन वर्ड में उसको बोल सकते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन। सो ये कंटिन्यू फ्रैक्शन को हम यूज कैसे करेंगे कि हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो पहला नंबर लेंगे तो वो फर्स्ट एज इट इज 3 आएगा,
Then we will move to the second, which is 7 threes are 21 plus 1, so 22 divided by 7. Similarly, third approximation lenge, which will be 333 by 106. So these are the approximation value of the pi. So guys, this was the first point, and now we will move to the second unique point of the pi. So now, ये सेकेंड पॉइंट है. जैसे हमने पहले देखा कि पाई इक्वल्स टू सी बाई डी एक उसका फॉर्मूला है जैसे पाई हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वही एक फॉर्मूला नहीं है. एक कार्ल वेस्ट्रास करके एक साइंटिस्ट है जिसने उसकी खुद की एक फॉर्मूला दी थी जिसमें माइनस वन टू वन का लिमिट दिया था. पाई इक्वल्स टू लिमिट माइनस वन टू वन डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. सो कार्ल वेस्ट्रास नाम के साइंटिस्ट ने 1841 में ये फॉर्मूला दी थी पाई की, जो एक अनदर फॉर्मूला है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पाई. So guys, now we are moving on our third point of unique points of pi, which is that pi is a non-algebraic number. So what is the meaning of non-algebraic number? That which is not a solution of non-zero polynomial. So guys, now we have moved to on our fourth point, which is the unique point of pi. That's statistical randomness. अब इसका मीनिंग क्या है कि अपन हमको पता है कि पाई की वैल्यू 3.14159 समथिंग समथिंग है. सो इसका मतलब क्या है कि अभी तक ये वैल्यू की कोई भी रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न नहीं आई है, इसीलिए इसको स्टेटिस्टिकल रैंडमनेस करके इसको टर्म दिया गया है. सो गाइज, दिस आर द फोर पॉइंट्स ऑफ यूनिक पॉइंट्स ऑफ पाई. And I hope you have all enjoyed in the general points of pi and the unique points of pi. And now we will start the fun facts of the pi. So guys, abhi hum fun facts pe aate hain pi ke baare mein. To pehla kya fact hai ki many trillions digits after decimal point. Matlab pi ki trillions mein find digits find kiye hue hain decimal point ke baad. To itna zyada find kiski madad se ki super computer bana. Now our second point in the fun facts. एक इंसान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है जिसने 70,000 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पाई की याद रखी थी और बोली थी उसको 70,000. कैन यू इमेजिन 70,000 डेसिमल्स आफ्टर द. सो हमारा थर्ड पॉइंट बहुत मजे वाला पॉइंट है कि अभी तक साइंटिस्ट ने 38 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट ऑफ पाई पाई की 38 डिजिट्स ही आफ्टर डेसिमल पॉइंट ही यूज किया है अभी तक रिसर्च में, और मोस्ट कॉमनली 9 डिजिट्स ही इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम 38 तक ही गए. तो सवाल उठता है कि इतने ज्यादा ट्रिलियन में डेसिमल डिजिट फाइंड करने का क्या मतलब है. तो इससे हमारा फोर्थ पॉइंट जुड़ा हुआ है. सो अपना फोर्थ पॉइंट ये है कि द सुपर कंप्यूटर एग्जाम, व्हिच मींस कि ये जो पहले पॉइंट में हमने देखा कि मेनी ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स फाइंड किए हैं पाई के लिए, लेकिन वो किस लिए, जस्ट फॉर टू एग्जामिन द सुपर कंप्यूटर कि उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो कितने नंबर्स तक जाता है. सो ये सिर्फ एग्जामिन करने के लिए ये ट्रिलियंस तक उन लोगों साइंटिस्ट गए हैं, बाकी तो 38 डिजिट्स आर द मैक्सिमम डिजिट्स व्हिच दे हैव यूज्ड. सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड होप सो कि आपको पूरा वीडियो देख के अच्छा लगा होगा. ये जनरल पॉइंट्स ऑफ पाई एंड द यूनिक पॉइंट्स ऑफ पाई और जो हमने एक्सप्लेन किया, सो जस्ट ये इमेजिन करते हैं कि सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है पाई के लिए सब क्लियर हुआ होगा. तो हमने मैक्सिमम कोशिश की कि हम पाई के रिलेटेड जितने पॉइंट्स हो सके उतने पॉइंट्स कवर करें. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. बाय बाय. 1 2 3 स्टार्ट. सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडू एंटरटेनमेंट. ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट. सो हेलो स्टूडेंट्स. हां स्टूडेंट, एक मिनट बोलो स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हो. सॉरी, 1 2 3 स्टार्ट. सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडू एंटरटेनमेंट. Now here we are with the आप मुझे लगता है पाई के बारे में पढ़ के बहुत बोर हो गए होंगे, तो अभी मस्ती टाइम जाने का.